नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं जैन। भोरावड़ के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कालवा बड़ा का शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नागौर जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने सरपंच दिलीप सिंह के साथ दौरा कर मां नरेगा कार्य का फीडबैक लेते हुए श्रमिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान गैसावत ने श्रमिकों को मास्क वितरित किए। कालवा बड़ा के मुमाना तालाब और तेजमल जी की ढाणी में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर पहुंचे और कार्य का निरीक्षण कर पेयजल, छाया सहित अन्य समस्याएं सुनी। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और सरकार की एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा। सरपंच दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि मनरेगा के तहत पुराने कार्य ही स्वीकृत है। उन्होंने नए कार्य स्वीकृत कराए जाने की मांग की ताकि लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार मिल सके। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गैसावत ने उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत राज्य मंत्री सचिन पायलट और नागौर जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई को अवगत कराकर इस समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य भूरा राम डूडी, पंचायत सहायक राम निवास, इंद्रजीत, वीरेंद्र गिला आदि उपस्थित थे। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, उप पंचायत राज के मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब ने सबसे पहले नरेगा के कार्य चालू करने का फैसला किया, बहुत ही सराहनीय है। वो इसलिए किया गया था कि जो भी काम स्टार्ट हुए गरीबों से, श्रमिकों से स्टार्ट हुए, गांव वाले जो नरेगा के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको रोजगार मिले, तो उसको लेके आज हमारे कालवा सरपंच अभी हाल ही के निर्वाचित हुए दिलीप सिंह जी, सचिन रोड की हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भोराम डूडी साहब, पीसीसी में भूजी डूडी और हमारी टीम ग्राम पंचायत कालवा में जो नरेगा के कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी लेने के लिए आए। उनसे पूछ रहे हैं कोई आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सरपंच साहब दिलीप जी ने हमें ये अवगत कराया कि कालवा के अंदर जो दो सड़कें पहले स्वीकृत थी वो सड़कों पर काम अभी चालू है। सरकार से आप गुजारिश करें कि नई स्वीकृति और हमें दे, चाहे खेड़ी का, नाड़ी का, तालाब का, ये तालाब का कोई भी कार्य नहीं। खींवसर में जोधपुर के रास्ते से पहुंचे टिड्डी दल ने किसानों की नींद उड़ा दी। बड़ी तादाद में टिड्डी दल पहुंचने की सूचना किसानों के पास पहुंची तो किसान खेतों में बर्तन बजाकर हल्ला करते हुए टिड्डियों को भगाने का प्रयास करने लगे। कृषि विभाग को सूचना मिलते ही टिड्डी को ट्रेस करना शुरू कर दिया। सहायक कृषि अधिकारी शंकरलाल सियाग ने बताया कि शुक्रवार को जोधपुर की ओर से खींवसर कुछड़ी में प्रवेश करते हुए टांकला, भाकरोद, रूण, असावरी, मुंडवा पहुंच गए। 2 किलोमीटर तक फैले टिड्डी दल ने खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जहां ये पड़ाव डालता है वहां पर पेड़ पौधे संपूर्ण नष्ट कर देता है। किसान जेठमल गोड़ ने हिम्मताराम रामेश्वर ने बताया कि टिड्डी एक दिन में कई टन अनाज नष्ट कर देती है। खींवसर तहसीलदार रामस्वरूप जौहर टिड्डी प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं और वह टिड्डी दल के नुकसान का जायजा भी ले रहे हैं। टिड्डी से खेतों में खड़ी फसल, प्याज, ज्वार की फसल साफ कर रहे हैं। किसानों का नुकसान होने का अनुमान है और सारी स्थिति पटवारियों के सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अरे डब्बा कंडो टंटा रह रही खाना में हाल कम गया है बन जावे खींवसर क्षेत्र के एक प्रेमी युगल ने खिजड़ी के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी युगल को लटकते देख आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची खींवसर पुलिस ने खिजड़ी से दोनों के शव उतरवाकर कब्जे में ले लिए और खींवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिए। परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि घटना पिपलिया सहों की ढाणी सिगल नाड़ी के पास की है। मृतक जोधपुर जिले का खेडापा थाना क्षेत्र का लवेरा कल्ला का सुरेश मेघवाल है और युवती साटिका पांचौड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मौके पर एक बाइक भी मिली। इस घटना का
पीपलिया सरपंच दशरथ बेनीवाल ने दर्ज करवाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के प्रयास रंग ला रहे हैं और लॉकडाउन समय में भी कुचामन वासियों को नई सौगात मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। कुचामन सिटी में रूडी फेज 4 के अंतर्गत सीवरेज और वाटर सप्लाई परियोजना के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी करते हुए नागौर जिले के 4 शहरों के लिए 262.50 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किया है। इस परियोजना का मुख्यालय ऑफिस अधीक्षण अभियंता PIU कुचामन में ही होगा। ज्ञात रहे नगर पालिका कुचामन सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई परियोजना का काम जल्द शुरू किया जाना है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डसाना खुर्द में कार्यरत शिक्षकों ने विद्यालय को सैनिटाइज किया। प्रधानाध्यापक शिवराज कड़वा ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक गजेंद्र सैनी ने अपने स्तर पर सैनिटाइजर व दवा छिड़कने वाली मशीन की व्यवस्था कर स्कूल प्रांगण और कमरों चार दीवारी से छिड़काव कर सैनिटाइजर किया। साथ ही शारीरिक शिक्षक रामकिशन मीणा के सहयोग से पूरे विद्यालय परिसर को अंदर और बाहर से सैनिटाइज किया गया। उल्लेखनीय है कि विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और बाहर से आने वाले लोगों को रखा जा रहा है। शहर के मंगलाना रोड स्थित राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में जारी ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार जारी है। विद्यालय ने लॉकडाउन की अवधि का क्रियात्मक रूप से बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को निखारने के प्रयास को अभिभावकों ने खूब सराहा है। शुक्रवार को ऑनलाइन मास्टर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपने माता पिता के साथ भाग लेकर इस प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार रेसिपी द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई गई। इस प्रतियोगिता में विशेषकर लॉकडाउन में बच्चों के माता पिता को सहयोग करने की भावना निखर कर सामने आई। अभिभावक भी प्रतियोगिता को सफल बनाने में बच्चों के हौसला अफजाई कर इस आयोजन को सफल बनाया। प्रतियोगिता को 3 भागों में विभाजित कर कक्षा 1 से 5वीं तक, दूसरा कक्षा 6 से 9वीं तक और तीसरा चरण 10वीं से 12वीं तक का था। 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित की गई। ज्ञात रहे शहर का एकमात्र ऑनलाइन क्लासेज चलाने वाला ये विद्यालय अपने सभी प्रकार की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। विद्यालय निदेशक डॉक्टर DJ भाटिया ने बताया कि मास्टर शेफ प्रतियोगिता में सभी बच्चों का प्रदर्शन अमेजिंग रहा। आज के दौर को देखते हुए बहुत जरूरी है कि छात्र हर कला में रुचि रखते हों और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित की गई। अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिला। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। संस्था के कोऑर्डिनेटर राजीव जैन ने सभी सहयोगी अध्यापकों का धन्यवाद दिया। ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रभारी नीरज अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 10 मई को GK और मैथ्स की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी चाहे वह किसी भी विद्यालय का हो अपना रजिस्ट्रेशन कर इसमें भाग ले सकता है। लॉकडाउन की पालना के साथ पाणी ग्रहण संस्कार के रस्मों और 7 वचनों के साथ दूल्हा दुल्हन विवेक बंधन में बंधे। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 34 के खाती टीबा स्थित ओम प्रकाश टेलर की पुत्री अंजलि का विवाह
बोरावड़ के सुरेंद्र टेलर के पुत्र आयुष टेलर के साथ संपन्न हुआ, जिसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए 5 जनों की अनुमति के साथ ही पूर्ण विवाह संपन्न किया गया, जिसमें पार्षद शक्ति सिंह चौहान ने विवाह आयोजन से पूर्व एवं बाद में समस्त कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया एवं समस्त वैवाहिक आयोजन को पूर्ण निगरानी में पूर्वक करवाया गया, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके और सभी को सुरक्षित रखा जा सके। इस अवसर पर कॉलोनी में मौजूद समस्त वासियों ने ऐसी शादी की सराहना करते हुए कहा कि ये विवाह एक सुशील एवं सुदृढ़ तरीका है, ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके और कोरोना जैसी विकट महामारी में ऐसा विवाह एक मिसाल है। इस अवसर पर नेमीचंद जांगिड़, छीतरमल जांगिड़, कैला जांगिड़, बद्री प्रसाद जांगिड़, सूर्य प्रकाश शर्मा सहित सभी परिवारजन मौजूद रहे। मिठड़ी कस्बे में रेगर मोहल्ला स्थित सामुदायिक भवन में मूर्तिकार रामेश्वरलाल जाटोलिया ने समाज के सामुदायिक भवन में संत रविदास की मूर्ति बनाकर भेंट की। मूर्तिकार ने बताया कि लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की मूर्ति बनाकर रेगर मोहल्ला स्थित सामुदायिक भवन में निस्वार्थ भाव से भूमि भेंट की है। नागौर में एक दिन की पॉजिटिव बच्ची ने जंग लड़कर कोरोना को हरा दिया। पूरे देश में यह पहला मामला है जिसमें कोरोना पॉजिटिव हुई एक दिन की बच्ची ने अब 2 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त की और बासनी की बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसकी मां को सौंपते हुए एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर सीसराम चौधरी के आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उल्लेखनीय है कि नागौर जिला कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर पहुंच गया है। शुक्रवार तक 102 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद संस्थागत क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। अब जिले में मात्र 15 कोरोना मरीज बचे हुए हैं। परवसर मेगा हाईवे के बाईपास मॉडल स्कूल के समीप ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई। अचानक हुए हादसे के बाद प्याज से भरी पिकअप पलटी खा गई, सड़क पर प्याज बिखर गए। बड़ा हादसा तो टल गया और कोई बड़ी जनहानि भी नहीं हुई, चालक के मामूली चोटें आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क के वाहनों को हटाकर यातायात शुरू करवाया। कस्बे के निकटवर्ती गांव रसीदपुरा स्टैंड से गुजर रही मेगा हाईवे पर टेम्पो और बस की जोरदार भिड़ंत होने से टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मोलासर थानाधिकारी पांचूराम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग सुबह 9:30 बजे मेगा हाईवे पर रसीदपुरा गांव स्टैंड पर मोलासर की ओर से आ रहे टेम्पो और कुचामन सिटी की ओर से आ रही बस दोनों की जोरदार टक्कर होने से टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो चालक लादड़िया निवासी प्रहलाद धानका, उम्र 40 वर्ष, पुत्र सुगनचंद जाति धानका, जो मोलासर से अपने गांव लादड़िया जा रहा था, तभी कुचामन की तरफ से तेज गति से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो चालक प्रहलाद धानका सड़क पर गिरा और गिरते ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस काफी तेज स्पीड से आ रही थी। मन में सेवा की भावना हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। रजनी उमेश करवा के बच्चे गर्वित और उन्नति करवा ने यह बात साबित कर दी। कक्षा 4 और 6 के दोनों भाई बहन ने बताया कि लॉकडाउन के खाली समय में जब स्कूल बंद होने के कारण घर पर ही रहते हैं तो रोज अखबारों में लोगों की तरह तरह से सेवा कार्य देख कर उनके मन में भी गौ सेवा का विचार आया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बचे हुए पैसों से महावीर इंटरनेशनल परिवार के साथ मिलकर शाकंभरी माता मंदिर के पीछे रहने वाली करीब 100 गायों के लिए हरा चारा और पानी की व्यवस्था की। इस पुण्य कार्य में परिजनों ने भी सहयोग दिया।